ड्राई लाइन की जो स्लिप होती है, एक होती है वेट लाइन की। तो वेट लाइन ड्राई लाइन में क्या फर्क होता है ये देख। तो भाई अब आते हैं हम टर्बो पिस्टन और नॉन टर्बो पिस्टन के बीच में। तो ये आप दो आपको दिखाते हैं जेट जेट सिस्टम क्या है। नमस्कार दोस्तों, किसान लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो भाइयों आज आपके लिए वीडियो लेके आए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी कैसे होने वाली है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी आपको ट्रैक्टर सिंपल और जो टर्बो नॉन टर्बो किस तरीके से होते हैं और किस तरीके की स्लीव होती हैं, दो टाइप की स्लीव होती हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। और जो जेट प्रेशर होता है, जो गजन पिन पर प्रेशर मारता है, टर्बो ट्रैक्टर मारता है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी, उसका क्या बेनिफिट होता है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और किस और पिस्टनों में क्या फ़र्क होता है टर्बो और नॉन टर्बो में, उसका आपको डिफरेंस दिखाएंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, तो बिना स्किप करे वीडियो देखे, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो होने वाली है। और मोबाइल कूलिंग सिस्टम का क्या रोल है ट्रैक्टर को ठंडा रखने के अंदर, या टर्बो ट्रैक्टर में इसका क्या लाभ है, नॉन टर्बो में इसका क्या लाभ है, आपको पूरा जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा भाइयों, बिना स्किप के बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो भाइयों सबसे पहले हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो है आपको दिखाते हैं जेट। जेट सिस्टम क्या है कि एक सिंपल सी बात है कि आप सभी किसान सभी भाई जानते हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं कि टर्बो और नॉन टर्बो के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। और कंपनी इसको कम करने के लिए, टर्बो ट्रैक्टर जो होता है उसको टेम्परेचर कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देती है, क्योंकि इससे क्या होता है टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा उससे क्या होगा कि ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो कम होगी अगर ओवरहीट चलेगा तो। अब क्या करते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, नॉन टर्बो ट्रैक्टर में टर्बो लगवा देते हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। उसका कारण क्या है आपको सारा बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आ जाएं हम, देखिए ये चीज़ देखिए, ये है वो जेट जो पिस्टन के ऊपर जो जो गजन पिन चलती है उसके ऊपर ये जेट मारता है डीजल को, सॉरी अपना मोबाइल को। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन काफ़ी रहता है। ये नीचे की तरफ लगता है ऐसे, ये एक आराम से इस तरीके से नीचे लगता है स्लीव के बिल्कुल नीचे जस्ट साइड पर, ये इस तरीके से इतना बाहर रहता है ये। तो उससे क्या होता है कि जो मोबाइल है वो गजन पिन के ऊपर सीधा डायरेक्ट पंच होता है, और कुछ जो छीट होती हैं वो अपनी स्लीप के ऊपर भी आती हैं। तो उससे क्या होता है गजन पिन और स्लीप दोनों का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, ये चीज़ का बहुत बेनिफिट होता है। तो और टर्बो नॉन टर्बो के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपको सारा चीज़ बताएंगे। देखिए जो आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ, जो न्यू लैंड जो होता है इसके अंदर जो स्लीव होती है वो ड्राई लाइन की स्लीव होती है। दो तरीके की स्लीव होती हैं, आपको पहले उनका डिफरेंस बता दें। तो भाइयों आपको डिफरेंस दिखा देते हैं, ड्राई लाइन की जो स्लीव होती है एक होती है वेट लाइन की। तो वेट लाइन ड्राई लाइन में क्या फ़र्क होता है ये देखिए। सबसे पहले न्यू लैंड के सभी ट्रैक्टरों में आपको ड्राई लाइन की स्लीव मिलेगी। ये होती है ड्राई लाइन जिसके ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं लगता, जो हमारा जो पानी जो चलता है रेडिएटर के अंदर से वो इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगता, वो चलता है अपना पानी चलता है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के साथ ये टच होती है तो उसी से इसमें कूलिंग सिस्टम होता है। और ये दूसरी जो स्लीव है ये है वेट लाइनरी स्लीव जिसके का पानी टच होता है, इसमें ब्लॉक से नहीं होता, इसमें डायरेक्ट होता है। आप इसकी साइज देख सकते हैं मोटाई कितनी ज़्यादा है, और इस पर जो डायरेक्ट है जो पानी इसी के ऊपर टच होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है भाई, इसमें जो है जो ड्राई लाइन की जो स्लीव होती है उसकी जो लाइफ होती है जो डायरेक्ट वाले से ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है कि इसकी जो क्षमता है हीट झेलने की ज़्यादा होती है वेट के हिसाब से, जो डायरेक्ट जो सीधी पानी से कॉन्टैक्ट में होती है। बाई चांस सपोज कीजिए कि अगर आपका पानी थोड़ा बहुत कहीं से कम हो गया, लीकेज होगी चलते ट्रैक्टर में, आपने थोड़ा जल्दी ध्यान नहीं दिया, तो इसका ऊपर से अगर पानी हट गया, ये पानी हटती है इस पर सीधा डायरेक्ट इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई और ऐसा मटेरियल है जो उसकी टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके या उसको फैला सके। डायरेक्ट इस पर लगा तो इसी पे जो है इसका जो क्षमता होती है वो घटनी शुरू हो जाती है। इसके साथ क्या होता है ब्लॉक जुड़ा हुआ होता है, ब्लॉक जुड़ा होने की वजह से जो थोड़ा वो टेम्परेचर है काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर है ब्लॉक अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है अगर पानी खत्म हो जाए। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ये झेल जाती है। और लाइफ के अगर अकॉर्डिंग बात करें, अगर दोनों की लाइफ की बात करें, तो ड्राई लाइन की लाइफ भी इसके वेट लाइन जो स्लीप से ज़्यादा होती है। इसमें ये डिफरेंस दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको फोर्ड हो गया, फार्म ट्रैक हो गया, एक चीज़ और है जो वेट लाइन की जो स्लीप होती है उसको जो इंस्टॉल करना, जो ठोकना जिसे कहते हैं, उसका बहुत ईजी होता है कि ये कंपनी से फिट कंप्लीट आती हैं, लाना और इन्हें सीधा फिट करना होता है, इस वजह से इन्हें फिट करना आसान होता है। जो ड्राइट होती है इसकी ठोकने के बाद ही
ब्लॉक में ठोकने के बाद ही इंजन के ऊपर इसकी रमिंग होती है, इसे ठोकना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ये थोड़ी सी आसान ठोक जाती है। और फोर्ड की जो पहले आप सभी जानते हैं कि फोर्ड की लाइफ इंजन की ज़्यादा थी, उसका कारण से उसकी ड्राई जो ड्राई लाइन की स्लिप होती है उसी की वजह से। और एक चीज़ बता दूँ, जो ड्राई लाइन की जो स्लिप है उसे फाड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे आपको फोड़ कर ही फाड़ सकते हैं, बिना फोड़े आप उसे निकाल नहीं सकते। इसे निकालने के लिए इसे फोड़ना पड़ता है इस तरीके से, तब जाके निकलती है। तो जैसा कि भाई आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो है जो ड्राई लाइन की जो स्लिप होती है इस तरीके ठुकती है, और इसकी होइंग जो होती है, होइंग जिसे हम देशी भाषा में पॉलिशिंग कह देते हैं, इस तरीके से मशीन लगाकर इसकी पॉलिशिंग की जाती है ब्लॉक के अंदर फिट करके। तो इस वजह से इनको जो फिट करना होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है ड्राई लाइन के मुकाबले। तो और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, इसकी होइंग इसकी पॉलिशिंग जो होती है ब्लॉक के अंदर ही होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मशीन लगाकर। तो भाई अब आते हैं हम टर्बो पिस्टन और नॉन टर्बो पिस्टन के बीच में। तो ये आप दो टाइप पिस्टन देख रहे हैं, दोनों ही न्यू होलैंड के हैं, 3630 के हैं, 5620 का है। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। आप पहले सबसे मेन चीज़ आते हैं कन्वर्शन चैम्बर के अंदर। इसका जो नॉन टर्बो ट्रैक्टर होता है उसका जो कन्वर्शन चैम्बर होता है वो छोटा होता है, और जो टर्बो ट्रैक्टर होता है उसका कम्बर्शन चैम्बर जो होता है बड़ा होता है। तो आप चीज़ एक और चीज़ आपको दिखा दूँ मैं, कि आप देख पा रहे होंगे ये निशान सामने की, किस चीज़ के निशान है ये। जो नॉन टर्बो ट्रैक्टर है उसका जो नॉन टर्बो ट्रैक्टर होता है उसका जो पिस्टन होता है वो ब्लॉक से बाहर नहीं आता, ब्लॉक के बिल्कुल फेस में रहता है। इस वजह से इसका जो हेड है, इसका जो सिर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। और जो टर्बो ट्रैक्टर है ये 5620 है, इसमें आप जो गड्ढे इसी वजह से डाले गए हैं क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर निकल के आता है। जितना ये जगह दी गई है इसमें उतना ही ये बाहर आता है। ये जगह दी गई है वाल्वों के लिए, क्योंकि टर्बो ट्रैक्टर जो होता है इसकी वाल्व भी बड़ी दी गई है कंपनी की तरफ से। तो आपको बताऊँ, जो जेट स्प्रे करता है, जेट यहाँ स्प्रे मारता है सीधा डायरेक्ट, और यहाँ से लगने के बाद जो थोड़ा बहुत स्लीप पे भी लगती है उसकी स्प्रे, और इस पे भी लगती है। तो अब हम अगर ये नॉन टर्बो ट्रैक्टर में चलाएंगे, अगर डायरेक्ट फिट करते हैं टर्बो, तो उस पर बिल्कुल भी यहाँ स्प्रे नहीं लगेगी, तो यहाँ से इसकी लाइफ घटनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ओवरहीट चलेगा। तो कंपनी बहुत कुछ करती है, हम जुगाड़बाजी करके कोशिश करते हैं लेकिन हम कंपनी का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपनी ज़्यादा लाइफ बना सकती है और किस तरीके से कस्टमर के लिए बिल्कुल सही चीज़ प्रोडक्ट कंपनी में मार्केट में लॉन्च करे। तो कहीं ना कहीं भाइयों, इसी वजह से जब हम जुगाड़बाजी करते हैं, अपनी तरफ से टर्बो लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ ऊपर अप डाउन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो छेड़खानी करते हैं जब इंजन के साथ अपनी तरफ से, तो वो जो है कंपनी का जो इतनी बढ़िया अच्छी सेटिंग की हुई होती है, इतना अच्छा मेहनत की होती है, सारी बेकार कर देते हैं हम कहीं ना कहीं जाकर। और एक चीज़ और है आपको बताऊँ, कि कभी भी अगर कोई हमें कोई जुगाड़बाजी करनी है तो पहले अच्छे मिस्त्री या कंपनी के इंजीनियर या किसी से भी आप कॉन्टैक्ट करने ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो आपको बता देंगे। एक चीज़ आपको बता दूँ, जो नॉन टर्बो और टर्बो ट्रैक्टर के जो स्टॉक होता है उसमें बहुत अंतर होता है। जो टर्बो ट्रैक्टर होता है उसका स्टॉक ज़्यादा होता है, नॉन टर्बो का थोड़ा कम होता है। पिस्टन के साइज़ में भी थोड़ा बहुत अंतर है, माइनर सा अंतर है, लेकिन सबसे मेन जो अंतर है वो इसके हेड है, और जो इसके जो रिंग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है इस चीज़ जो टर्बो नॉन टर्बो में, क्योंकि जो टर्बो के ट्रैक्टर होता है उनको ओवरहीट की को झेलने के लिए बनाया जाता है, नॉन टर्बो को ओवरहीट झेलने के लिए नहीं बनाया जाता, वो उसकी टेम्परेचर का मेंटेन जो होता है वो सही होता है। आप सभी जानते हैं टर्बो लगने के बाद ट्रैक्टर का जो टेम्परेचर ओवर होने लगता है टर्बो के साथ। तो हम क्या करते हैं, जुगाड़बाजी करते हैं, तो हम आप खुद देख सकते हैं इनके जो नोजल स्प्रे करती हैं, जेट मारती हैं डीजल का पंप सीधा जो पिस्टन के ऊपर, वो देखिए 1 2 3 4 5 छः जेट लगते हैं नॉन टर्बो में भी, और छः ही लगते हैं टर्बो के अंदर। जो टर्बो जेट होते हैं 1 2 3 4 5 6 लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो नॉन टर्बो ट्रैक्टर होता है उसका कंबर्शन चैम्बर छोटा होता है, तो उसका आधा स्प्रे ऊपर लगता है हेड के, आधा कंबर्शन चैम्बर के अंदर लगता है। जो टर्बो ट्रैक्टर होता है उसका सारा जो जेट का स्प्रे लगता है डीजल का, वो कंबर्शन चैम्बर के अंदर लगता है। आप देख सकते हैं, अगर आपको निशान दिख रहे हो, ये जो जेट की स्प्रे होती है उसका निशान है, उसका देख सकते हैं आप, आधा ऊपर है आधा अंदर है। तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। तो भाइयों, आपको पिस्टन और स्लीप में फ़र्क दिखाया, और स्लीप में आपको थोड़ा सा आपको ब्लॉक में भी दिखा देते हैं इसका क्या बेनिफिट है कि ड्राई और वेट लाइनरी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको चीज़ दिखाऊँ कि ये देखिए, ये स्लीप है, ये स्लीप निकल के यही ठुकती है ब्लॉक के अंदर। तो इसके साइड पे आप चारों तरफ देख सकते हैं, सारा ब्लॉक है इसके अंदर ये, ठीक है। और ये चीज़ देखिए, ये जो गैलरी है वाटर की, ये बहुत से देसी ट्रैक्टर जो पहले आते थे या और बहुत से ट्रैक्टर में ये नहीं मिलती है, बहुत बारीक छेद होता है यहाँ पे। क्या होता है कि जैसे अब यहाँ तो पानी आ गया, ठीक है,
आप एक स्लीप के साथ यहाँ तक सारे तरफ पानी आ गया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पानी आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा, तो अगर यहाँ नहीं पानी होगा, मान लो ओवर थोड़ा थोड़ा हीट आता है, तो यहीं से यहाँ पर पानी ना होने की वजह से कि यहीं से जो है हीट पकड़ शुरू कर देगी स्लीप को, यहीं से उसको जो है इसकी कमजोरी बना देगी, उसको जो थोड़ा सा पकड़ शुरू करेगी, उसको आपकी लाइफ कटेगी, धीरे धीरे आपको फैलेगी, इसमें रगड़ शुरू होगी। तो ये चीज़ अगर भाई साहब कोई किसान भाई अगर ट्रैक्टर खुलवाता है, अगर काम करवाता है, तो मिस्त्री से के पास एक चीज़ का ध्यान रखे कि ये जो गैलरी है इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं सब में छेद बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बारीक छेद हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत, ये इनका साफ होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें कचरा आ गया, इनमें अगर पानी नहीं गया, तो क्या होगा कि यहाँ से जो इतनी जगह में देखिए पकड़ बननी करनी शुरू कर देगी। अब आपको फर्क दिखाते हैं कि ड्राई और जो है वेट लाइनरी जो स्लीप होती है उनमें फर्क क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ये देखिए ये स्लीप हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया। अब देखते हैं स्लीप के बाद कितना जगह ज़्यादा ब्लॉक है, ये देखिए कितना ज़्यादा ब्लॉक यहाँ पर साइड पर आ गया। अब क्या होगा, सपोज कीजिए कि अगर बाई चांस किसी किसान भाई का या किसी ट्रैक्टर का जो पानी निकल गया, निकलने के बाद क्या होगा, अगर ये हीट होता है, तो अगर हीट होने से क्या होता है, स्लीप कब खराब होती है, हीट होने से जब लोहा का मेटल जो फैलता है, फैलने की वजह से उसको जब जगह मिलेगी तो फैलेगा, फैलने से क्या होगा उसका साइज बड़ा होगा, और जो अपने जब रिंग होंगे पिस्टन के रिंग होंगे उनके साइड पर जगह बचनी शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा ट्रैक्टर जो पंप अपना मोबिलल उठाना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से अगर ये हीट भी होती है, सपोज कीजिए अगर ये हीट होती भी है, तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि साइड में ब्लॉक आ गया, ब्लॉक आएगा, ब्लॉक कहाँ फैलेगा, ब्लॉक की सेटिंग इस तरीके से होती है ताकि वो फैले ना किसी भी हालत में। इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग, ये सिर्फ सुराख ऐसे ही नहीं कर दिए होते, बहुत इंजीनियर है, बहुत दिमाग से वो सुराख किया जाता है। तो क्या होगा, जब फैलेगी तो उसको रोकने के लिए अपना ये ब्लॉक है, अगर साइड पर ब्लॉक है इसको आगे फैलने नहीं देगा। मान लीजिएगा अगर ऐसे ही अगर हमने वेट जो होती है, वेट वाली जो स्लीप होती है जिसकी डायरेक्ट पानी इसको टच में आता है, उसके साइड पर बिल्कुल खाली होता है, ऊपर नीचे होता है लेकिन बीच में बिल्कुल खाली होता है, अगर उसमें इस तरीके की शिकायत होती है, उसको रोकने के लिए उसको जब उसमें हीट होगी उसके जब मेटल जब फैलेगा, तो जब उसे रोकने के लिए तो साइड पे कोई भी लोहा या मेटल उसके नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी फैलने से। तो उसमें कहता है अगर वो स्लीप 5 मिनट तक टेम्परेचर झेलती है, अगर वेट लाइनरी स्लीप जो होती है अगर उसे 5 मिनट तक टेम्परेचर झेलती है, तो ये स्लीप जो है उसके मुकाबले 10 से 15 मिनट तक का टेम्परेचर झेल लेगी, ये बेनिफिट होता है। तो और चीज़ आपको फिर मैं आपको भाई याद दिलवा दूँ कि किसान भाई अगर कोई भी ट्रैक्टर खुलवाता है, अगर उसको ट्रैक्टर में इस तरीके की ब्लॉक में अगर ये गैलरी है, तो उसको प्लीज़ बहुत अच्छे केयरफुली साफ करवाएं, इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है ये। तो भाइयों और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, टर्बो ट्रैक्टर में न्यूलैंड की जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगाई गई है, ये देखिए वाटर जो मोबिल ऑयल टेम्परेचर कंट्रोल है, जो ऑयल मोबिल ऑयल टेम्परेचर कंट्रोल किट लगी हुई है, इसका क्या बेनिफिट होता है, ये दो तरीके से काम करती है भाइयों। अगर टेम्परेचर ओवर ठंडा है, अगर कम है, तो क्या होगी, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके लाएगी जहाँ तक ट्रैक्टर के नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर है, वहाँ तक इसको लेके आएगी, उसको उठाएगी, कम ज़्यादा करेगी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करेगी। क्या होता है कि देखिए यहाँ से पानी आता है, यहाँ से पानी निकल जाता है, ये दोबारा जो है उसमें चला जाता है, नीचे से मोबिल आता है और इसके अंदर इस तरीके से घूमता है, आप देख सकते हैं यहाँ, ये आप पाइप छोटे छोटे पाइपलाइन देख सकते हैं हल्की सी, और इसके अंदर जो है कॉपर का इस्तेमाल किया गया, कॉपर आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, कम और ज़्यादा करने के लिए। तो इसमें अंदर से मोबिल होता हुआ निकल के ऊपर साइड, इसमें कूल होके आगे ऊपर फिल्टर लगा होता है, फिल्टर में से ठंडा होकर दोबारा से फिर ट्रैक्टर में चला जाता है, तो दो पंथ एक काज, ठीक है, तो इसमें एक ही जगह पर दो काम हो गए। तो भाइयों आप सभी से ओवरऑल जो बात है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर नॉन टर्बो में कितना डिफरेंस है, और ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको न्यूलैंड की सिंपल अगर कंपैरिजन बताऊं, दोनों में ड्राई स्लीप है टर्बो और नॉन टर्बो के अंदर, ठीक है, और फर्क क्या है, पिस्टन रिंग्स का, और क्या होता है कि जो टर्बो होते हैं उसमें ये जेट स्प्रेयर लगे होते हैं कूलिंग सिस्टम, और जो नॉन टर्बो होते हैं उसमें नहीं होता। तो क्या होता है, बहुत से किसान भाई जो बाहर से जुगाड़बाजी करवा के ट्रैक्टर में टर्बो लगवा लेते हैं, तो भाई वो कभी भी कंपनी फिटी टर्बो ट्रैक्टर का मुकाबला बाहर का जुगाड़बाजी कभी नहीं कर सकती। करने को तो हम कुछ भी कर लेंगे, हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने कंपनी फिल कर दी, हम कभी नहीं फिल कर पाते। तो भाई जब भी ऐसा काम करना, तो पहले आप किसी अच्छे मिस्त्री या अच्छे जो कंपनी की तरफ से इंजीनियर्स जो प्रोवाइड होते हैं अपने
एजेंसीज के अंदर या फील्ड में घूमने के लिए होते हैं उनसे सलाह कर लें कि क्या ट्रैक्टर में होना चाहिए, हमें क्या करना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब से भी जानते हैं कि जो टर्बो ट्रैक्टर्स में इतना कुछ होने के बावजूद भी इंटरकूलर देती है कंपनी, किसी वजह से ही देती है, हम क्या करते हैं, हमने उठाया टर्बो लगाया अपना काम चला लिया, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। तो इस चीज़ का भाइयों बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। आगे के लिए आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए वो भी आपको हम बता देंगे, और ये जो वाल है इसके वाल की किस तरीके से वर्क करती है ये भी आपको पूरी वीडियो देंगे हम। टर्बो के ऊपर ये वीडियो वाल्व काम करती है, किस तरीके से ट्रैक्टर को ये बैकअप टॉर्क बनाती है, बहुत चीज़ें हैं जो कंपनी बहुत टर्बो अपने ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मेहनत करती है, रात दिन इंजीनियर्स मेहनत करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं से शोध करते हैं, कभी कहीं से कुछ चीज़ घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं। तो हम लोग कभी भी कंपनी से ऊपर नहीं हो सकते। तो भाइयों ट्रैक्टर में बेवजह की छेड़खानी कभी नहीं करनी चाहिए। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में भी बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।